मुस्लिम के तरफ जो हाथ उठते रहता है, इसमें एक बात और पक्की निहित है कि भारतीय समाज का जो जाति ढांचा है, जातिगत ढांचा है, वो बना रहे। जाति का जो तकलीफ और दर्द है, जो वेदना है, जो चेतना है, वो ना उभर जाए। अद्भुत देश है, पाखंड तो इस देश में कदम कदम पर है। ये जो मुस्लिम की तरफ हाथ उठ रहा है, 47 से सिलसिला शुरू हो रहा है। बंटवारा हमारी त्रासदी हो गया, उस त्रासदी में सबसे ज्यादा यदि कोई दिक्कत और तकलीफ है तो दोनों तरफ जो वंचित समाज है वो तकलीफ है। उसके सारे मसले बनाने का काम एक तरीका है। ये हिंदू और मुसलमान, मुसलमान की तरफ जो हाथ उठता है, वो एक हाथ आपको दबाए रखने के लिए भी काम करते रहता है। यानी आप मुसलमान देखो, हिंदू हो जाओ, और जब हिंदू हो जाओगे तो फिर जाति व्यवस्था आपके गले की एक परमानेंट एक जरूरी चीज बन जाएगी। शूद्र शूद्र रह जाएगा, अतिशूद्र अतिशूद्र रह जाएगा, बेकारी बेरोजगारी सब चीज दूर हो जाएगी। जो मेहनत करके पैदा करता है वो पीछे हो जाएगा। तो असली मुझे आपको बुलाया तो मुझे मौका मिला है आपके लिए। असली ये 19 है, ये जो आईन है, संविधान है, याद रखना। हजारों वर्ष में भारत में यदि कोई एक किताब आई है तो वो भारत का संविधान है। सबसे बड़ी चीज यदि आपके हाथ में मिली है तो वो बैलेट पेपर है, रन ट्रेन पंचायत, बटन से प्रधानमंत्री निकलता है। इसी बटन से मुख्यमंत्री निकलता है, इसी बटन से पंचायत निकलती है। ये कभी इस देश में नहीं था। ये झूठ बताते हैं, फलानी जगह वैशाली में वो था, छुट्टे लोग सारी किताब जितनी जगह उल्टा पढ़ना उनको, सब झूठ लिखा हुआ। हजारों वर्ष के तारीफ नहीं दे सकता। कभी एक चीज आपके हाथ में आई है, बिल्कुल इस हाथ में आया हुआ, इससे बड़ा पुरुषार्थ आपके हाथ में हजारों वर्ष में कभी नहीं मिला, तो हमको मिला हुआ है। ये खतरे में है। 19 के बाद ये जो बैलेट पेपर है, इस पर पैसे का, संपत्ति का, अब ये आप बैठे हैं, ये भी जानते हो कि सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज जो है, मेहनत करने वाला समाज जो है, वो दलित है या ओबीसी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये खबर नहीं है, ये खबर बनेगी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके हाथ में ये सबसे बड़ा जो अधिकार है, 70 वर्ष में हमने इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया, इसलिए कि हमारे भीतर बहुत बीमारियां हैं। वो बीमार है, लेकिन उनके साथ जो बीमारी लगी है वो सुख देती है। संपत्ति, संपदा, इज्जत, मान सम्मान सब चीज उनके लिए। जाति जो है वो उनके लिए सुकून देती है, और जाति हमारे लिए हर तरह का मेहनत, मशक्कत, दौलत बनाने का काम, जलालत, अपमान, व्यवस्था से बाहर रखने का लगातार अनवरत प्रयास होता है। पहली बार ये हमारे हाथ में इस किताब आई है। अब इस किताब में अच्छाई है, बुराई है, वो छोड़ दो, लेकिन सबसे बड़ी एक अच्छाई है, ये किताब में इस प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारत की जो जनता है वो सावनता की है, वो मालिक है।
ये मालिकियत जाने वाली है और ये उनके लिए नहीं, क्योंकि वो तो चाहे कोई देसी आए विदेशी आए, उन पर कभी फर्क नहीं पड़ता। विदेशी आ जाएगा तो नंबर हो जाएंगे, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम पे जरूर फर्क पड़ जाएगा कि फिर ये बैलेट पेपर फंस गया जनाब, एडल्ट फ्रेंचाइज फंस गया बटन दबाने के, तो फिर इस इलाके में आप बैठे इस पर घुस भी नहीं पा, हजार वर्ष से नहीं घुसे अभी नहीं। असली सवाल यह है कि ये खतरे में है। जब मैं संविधान खतरे में कहता हूं तो वो सॉवरेन अथॉरिटी मालिक जो है उसके हाथ का जो वोट है 70 वर्ष में सबसे ज्यादा उस पर ही खड़ा। इस बार तो गजब हमला होने वाला है, एक तो इतना महंगा होते लाचारा चुनाव, यानी थैली वालों ने, क्योंकि थैली उनके हाथ में, संपदा संपत्ति सिस्टम व्यवस्था सब चीज उनके हाथ में, एक चीज हमारे हाथ में थी, ये गर्व पे काम, यानी आखिरी चीज थी ये भी खतरे में। इसलिए यहां जो आए हैं लोग, मेरा कहना है कि आने वाले कल पे ये जो चल रहा है ना, तो आप बताइए पुलवामा में फौज हमारी आई भी, इंटेलिजेंस हमारा, राज्य सरकार का इंटेलिजेंस हमारा, फौज का इंटेलिजेंस हमारा, बीएसएफ का इंटेलिजेंस हमारा, और जो गाड़ियां जो ट्रक से या बस से बीएसएफ के जवान जा रहे हैं, उनने हम ऋषि से कहा कि जहाज से पहुंचाओ, प्रोजेक्ट कर दिया गया, बहस ही नहीं है, यानी आतंकवाद से लड़ाई जरूरी है, ठीक है दुरुस्त है, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई भी जरूरी है और आंतरिक जो सुरक्षा है, आंतरिक जो तंत्र है उसकी सुरक्षा भी उतनी जरूरी है। भारत के अंदर जो तंत्र है उसे भी सचेत होना चाहिए। तो क्या हाल हुआ, 45 आदमी इस सरकार की ना, इस व्यवस्था की नाकामी के चलते आदमी ही का, यानी कश्मीर ही एक मुद्दा है 5 बरस से, कश्मीर के मुद्दे से ही सारे देश में ये जो लोकतंत्र इसको खतरे में लाने का जो काम हुआ है वो कश्मीर से शुरू है। पाकिस्तान कश्मीर ये सारे मुद्दे जितने भी आ रहे हैं वो सिर्फ यानी आपके वोट को और आपके जहन को विषैला बना करके आपको ही और आपके हक हकूक को ही छीनने का खेल। इसलिए मेरी विनती आपसे यही है, इस चुनाव में कुछ लोग कह रहे थे पार्टी नहीं, याद रखना बगैर पार्टी के कभी कोई व्यवस्था नहीं बदलने वाली। मंडल कैसे लगा, ये जाति गणना किससे हुई है, कुछ लोग हैं यहां ये सोशल मीडिया आया उसके चलते, लेकिन इससे आंदोलन होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये वोट जो है, एक वोट जो लोकसभा के लिए डालते हो, एक बटन दबाते हो, 24 लाख करोड़ रुपए का एक बटन है, 135 करोड़ लोग एक एक बटन दबाते तब कहीं 24 करोड़ लाख का बजट हर साल का है, साल भर का कितना होगा, इस पर कब्जा नहीं होगा तो कैसे काम हो जाएगा भाई, इस पर उनका कब्जा, इसी के जरिए सब चीजों का कब्जा होगा। याद रखना आपके हाथ में जो
संविधान ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक दिया है ना एनफ्रेंचाइज में, बाकी उसमें बहस नहीं जाना चाहता। ये ऐसा हक मिला है कि व्यवस्थापक सिस्टम पर आपका कब्जा हो सकता है, लेकिन अभी इसमें झटका आ गया है। झटका ये आ गया है कि ये चुनाव उन्माद करके, एक और बात रखना, यहां से जो आदमी जाए शूद रति शूद दलित और आदिवासी पिछड़ा, हम तब सफल होंगे जो बचा भारत है उसमें कहीं भी दंगा हो तो फिर दंगा होने नहीं देना, चाहे जो हो जाए। पहली शर्त है ये वोट इकट्ठा करना है, और इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं अकलियत के लोग आज देश में रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान देख लिया हो, उसे रोज होते रोज उसको घेर रहे हैं, रोज उसके खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, वो हमको खेत खलियान लोहा लकड़ी इसमें हम बंधे रहे, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कलम से भी हम बंधे, व्यवस्था भी हमारे हाथ में, दुनिया भर में यह है, अपने लिए हमारे देश में नहीं है। इसलिए एक ही काम है, ये रिजर्वेशन आपको जिस समय लागू हुआ है, एक तो आजादी के बाद लागू बाबा साहब ने लगाया शुरू का सूत्रा था, ये जो लागू हुआ है 59 में, उस समय आपके पिछड़े और दलित लोगों की संख्या ज्यादा थी एमपी की, हमारा चौधरी चरण सिंह और लोहिया ने ऐसी परिस्थिति उत्तर भारत में पैदा की कि हमारी संख्या लोकसभा में ज्यादा 90% तो हमारे, उससे लागू हुआ, उस ताकत से लागू हुआ, इसको बचा नहीं पा रहा है। लेकिन पहले इसके बचने के पहले एक बात चाहिए कि चुनाव है, इसमें चारों तरफ घूमना है, और किसी कीमत पर ये हाथ में जो बैलेट पेपर हमारा है, इससे बड़ी पूंजी हमारे हाथ कुछ नहीं, हम नहीं सफल हुए, आने वाला कल सफल होने वाला है। ये काम इसे बचा के तो जाए ना, सबसे बड़ा फर्ज आ रही है कि कैसे बचे, इसे बचाने के लिए पैसा संपत्ति, ये जो मीडिया अखबार ये जो टीवी चल रहा है, ये बिल्कुल ही एक आठ दो हजार को छोड़कर के बाकी सब जो है वो उनके जो राज है जिनका, उनको बचाने के लिए उनके हक में वातावरण बनाने के लिए, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे उनके खिलाफ बहुत लिखा जाता था, तो चौधरी साहब कहते थे अपनी सभा में उनसे कहते थे भाई ये पेपर पढ़ा करो अखबार, और पढ़कर को उल्टा कर दिया करो, तो देशी आदमी थे आज जो है उस नीचे का आदमी होता है वो बड़ी बात कहता है, तो मैं आपसे यही कहूं कि आपने जो आज का ओबीसी और भारत वाला जो किताब लिखा है, ये किताब है जगाने के लिए, किताब देखो दलितों के साथ ये दौर ऐसा है कि पहली बार में हो रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख में भी कोई समाज है तो वो दलित, वो दलित और आदिवासी, हम उसके हक में खड़े होंगे तभी हमारा हक हमको हाथी हासिल हो। आप देखोगे दलितों का साहित्य बहुत बड़ा, ओबीसी का इस मामले में बहुत काम जो है वो हम लोगों का दर्द भी पूछ है, अब हमारे बीच में लिखने वाले पढ़ने वाले बड़े पैमाने पर हो रहे हर भाषा में, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आने वाला जो चुनाव है
इसमें इनको बड़ी कठिन चीज है। ये चुनाव ये 5 साल से जिन लोगों ने एक नहीं गुनाह किया, इन्होंने कितने तरह गुनाह किए। इस संविधान को आइन को इन्होंने अलग अलग कर सकते हैं, यानी इतना ज्यादा इसको लघु गवान कर दिया है कि फर्क नहीं चलता है कि धर्म और राजनीति में कोई फर्क होता है, यानी धार्मिक किताब और संविधान में कोई फर्क होता है। ये कोई है ऐसा दौर 5 वर्ष में दिलाया है, इन्हें हटाना है, इन्हें हटाना है। ये संगठित ऑर्गेनाइज ये कोई मीडियावल पीरियड नहीं, ये स्टोन एज में ले जाना चाहते हैं, पत्थर युग में ले जाना चाहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि हमारे यहाँ सर्जरी इतनी आगे थी कि हाथी और आदमी जोड़ दिया जाए। भाई कोई अच्छा देश होता तो बगावत को जाना चाहिए, हम ठीक होते तो बगावत को जाना चाहिए। कहता है हाथी हो और वो भी साइंटिस्ट लोगों के उसमें बोल रहा है, एक से एक बात बोल रहे हैं, एक से एक तमाशा बोल रहे हैं, इतनी गप्पे लिखी उनको सबको सच्चा कर रहे हैं। ये जो इतनी मेहनत से लोगों ने आविष्कार किया ये विजुअल मीडिया का, आप देखिए सीरियल सारे जितने तरह के एक से एक, यानी आप सीरियल देखोगे तो जितनी गप्पे हैं वो सब उनने उधर की उसको उतार, उनका बड़ा फायदा उससे। इतना बेवकूफ आदमी बनेगा जितना अंधविश्वासी आदमी बनेगा उतना ही पिछड़ा रहेगा, उतना ही दलित रहेगा, उतना ही आदिवासी रहेगा, जितना वैज्ञानिक बन बनेगा उतना ही आगे हम बढ़ने का काम होगा। इसलिए आने वाला चुनाव इन्हें धराशायी करना है, एक ही काम करना है और लिखा पढ़ी जोर से जारी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।